आपके बयान में सुना था कि सर ढांपना चारों आइमा के नज़दीक फ़र्ज़ है और जहाँ फितने का अंदेशा ना हो वहाँ चेहरा छुपाने में आयत है घर में ख़ानदान में इसका माहौल नहीं है तो क्या मुझे सर ढांपना शुरू कर देना चाहिए जी करना चाहिए और चेहरा भी छुपाना चाहिए चेहरा छुपाना तो मैंने उन फनकारओं अदाकाराओं के लिए गुजाइश की बात की है जो बिल्कुल पर्दा नहीं करती तो चलो समथिंग इज़ बैटर दैन न थिंग इस काफ़ी ले लें ले। लेकिन नॉर्मली एक असल में तो चेहरे ही फितने का सबसे बड़ा ज़रिया है जितने फितने हो रहे चेहरों से रहे अभी एक मैं वाकया सुनाता तो हूँ हमारा गार्ड है गांव से आया है उसने अपने गांव का वाकया सुनाया उसने कहा आप बयान में बताएं ये वाक़ शम से ना हमारा गार्ड इसने वाकया सुनाया इनके गांव में हालांकि गांव देहातों में बड़ा सख्त पर्दा होता है इनके गाँव में एक बंदे ने शादी की है अपनी बीवी को पर्दा नहीं कराता था वो अपने दोस्त के सामने ले आता था दोस्त आशिक हो गया उसकी खूबसूरत बीवी पे ये इश्क इतनी डेंजरस चीज़ है ना बड़े बड़े जराम जब ये चढ़ता है ना दिमाग पे वो लिबरल बन के ना ब्रॉड माइंडेड बन के यार कोई बात नहीं है तो मेरा दोस्त है बहन वो भी भाभी भाभी कर रहा है और अंदर से भाभी के लिए इश्क के जज्बात दिल में पैदा वो लड़की नेक थी वो उसको पता था मैं इसको नहीं ऐसे पटा सकता क्या प्लान बनाया इसने कि यार अगर ये बेवा हो जाए ना तो मैं एक बेवा को सहारा देने की नीयत से इससे शादी करूंगा रिश्ता भी मिल जाएगा लोग भी मुझे क्या करेंगे दोस्त के कत्ल का प्लान बनाया उसको कहीं तन्हाई में दोनों इतनी गहरी दोस्ती बचपन की के वो कह रहे कोई शक ही नहीं कर रहा कि ये कत्ल कर सकता है दरिया के किनारे गए और धक्का देके उसको दरिया में गिरा दिया गुम हो क्योंकि देखने वाला कोई था नहीं पुलिस तलाश कर रही है उसके घर वालों से पूछ रही है तुम्हें किसी पे शक है वो कह रहे हैं किस पे कोई है ही नहीं दुश्मनी भाई और दोस्त भी जनाब इंक्वायरी में साथ साथ पुलिस आपको पता है इतनी हल्की नहीं होती जितनी हम समझते हैं पुलिस को पुलिस ने कहा भाई पूरी इंक्वायरी की तो इसके साथ निकला था रिश्तेदार कह रहे हैं भाई ये हो नहीं सकता ये बचपन का दोस्त है बड़ा करीबी है लेकिन ये इश्क का भूत ना काबिल ने हाबिल को नहीं कतल कर दिया था अपने भाई को ये बहुत खतरनाक भूत है तो इंक्वायरी की वो क्योंकि लाश गायब है पता ही नहीं चल रहा भाई बंदे को मार के फेंका किधर है तलाश छापे लग रहे हैं पुलिस इंक्वायरी कर रही है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स आ रहे हैं नहीं पता चल रहा पुलिस ने बोला कि भाई पुलिस को शक हुआ कि भाई हमें तो लगता है यही बंदा है फिर जब पूरी इंक्वायरी हुई ना तो फिर जब उसको उठाया है तो नतीजा यही निकला साबित यही हुआ उसने इकरार किया फिर कि लेकर गया है और धक्का दिया फिर दरिया से उसकी लाश निकली कहीं दूर जाके तो ये है किसका नतीजा बेपर्दगी का नतीजा ब्रॉड माइंडेड बनने का नतीजा तो उसका पता चला जी उसको इश्क हो गया था वो आके बैठती थी हंस हंस के बातें होती थी वो इतना पागल हो गया उसके ऊपर तो उसके ख्याल आया कि यार इसको किसी तरह ख़त्म करो बेवा से शादी होगी लोग भी तारीफ़ करेंगे और दोस्त की बेवा से दोस्ती शादी कर सकता है भाई तो भाई का दोस्त का कत्ल कर दिया तो वो मुझे आगे कह रहा था कि ये हमारे गाँव में बेपरदगी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है लोग इसको कह रहे हैं ब्रॉड माइंडेड और बहन बना के ना आप देख रहे होते हैं उसको तो पर्दे को प्रोमोट करो भाई फितना नहीं होगा और आप यूरोप और अमेरिका को ना अब देखो उनके यहाँ इस चीज़ को उन्होंने फितना समझना ही छोड़ दिया है ठीक है ना? फितना समझना ही छोड़ दिया है अच्छा पर्दे में एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि जब लोग शादी करते थे अपनी बीवी को छुपाते थे तो बाज दफ़ा बसूरत औरत से भी लोग शादी कर लेते थे क्योंकि फेसबुक पे तो डालना नहीं है उसको सही है ना दुनिया को दिखाना नहीं है आपका दिल किसी पे आ गया बज़ दफ़ा वो अट्रैक्टिव दूसरों के लिए नहीं होती आपके लिए होती है वो किसी बेवा पे दिल आ गया किसी भारी भरकम औरत पर यह होता है ये मर्द के साथ होता है ये कोई और मसलहत है तो पर्दे में थी पर्दे में रुखत होकर घर आ गई आपके दोस्तों ने नहीं देखी कोई तबसरा नहीं करेगा अब बाज़ दफ़ा मर्द का निकाह दिल चाह रहा होता है मैं यहाँ शादी करूँ उसको पसंद आ रही होती है लेकिन वो फेसबुक और सोशल मीडिया के मैार की उसकी ब्यूटी नहीं होती वो इनकार कर देता है कि जब मेरी दुल्हन के साथ तस्वीरें जाएंगी मेरा कद छोटा दुल्हन का कद लंबा मेरा कद लंबा दुल्हन का कद छोटा तो ये पेयर अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों के लाइक्स कम आएंगे इसमें अच्छे भले रिश्तों का इनकार करता है आदमी तो पर्दे में अल्लाह ने औरत का बड़ा फायदा रखा भाई तेरी बीवी तुझे पसंद है तू क्यों दोस्तों तो दिखा रहा है बुर पहना उसको अपने घर में लाके अपनी इज्जत को अपने घर में बिठा तुझे पता है तेरी बीवी को पता है कौन कैसा है छोड़ दे इस बहस को और बाप वगैरह जो है ना जिनसे पर्दा नहीं है औरत का सुसर से उनको इसमें दिलचस्पी नहीं होती ज्यादा वो तो अब घर की बहू है तो वो तो फिर बहू जब बन गई तो फिर तो उनकी इज्जत है ना वो दोस्तों के लिए क्या है वो तबसरा कर रहे होते हैं दोस्त तो इसलिए भाई ये पर्दे में अल्लाह ने औरत का भी फायदा रखा है मर्द का भी फायदा रखा है आपकी बेटियों का भी फायदा है आपकी बच्चियों में सारी थोड़ी खूबसूरत होंगी लेकिन जब आपकी बच्ची से कोई शादी करके उसको फेसबुक पे डालेगा आपको पता है तो फिर वो आपकी बच्ची अगर थोड़ी सी भी शक्ल दबी हुई है वो उससे शादी नहीं करेगा क्योंकि दोस्त पूछेंगे हमारी वाली देख ली अपनी वाली क्यों नहीं दिखा रहा तो वो कह गया यार वो दिखाने के काबिल नहीं है ठीक है ना मुझे पता है लोगों को हमारे दो हजार सात में एक दोस्त ने शादी की उनकी कि, उन किसी को पता नहीं होगा किसकी बात कर रहा करो उनको भी नहीं पता चलेगा तो शादी जब हुई है ना तो वो अपनी बीवी की दुनिया को दिखा रहे हैं ना दोस्तों को क्योंकि सब दोस्तों ने दिखाई है वो भी दिखा रहे वो शक्ल अच्छी नहीं थी उसकी तो उसके सामने तो लड़के कह रहे हैं अब वाह माशाल्लाह भाभी बड़ी प्यारी है मैंने नहीं देखी मुझे फिर आके कहने लगे वो दोस्त भाई बिल्कुल मुफ्ती साहब किसी काम की नहीं है तो पता नहीं किससे किसको उठा के ले आया अपनी बीवी की बेइज्जती करा रहा है कि नहीं करा रहा हालांकि वो बंदा खुश है तो भाई जब वो खुश है तो जैसी ये शक्ल वो खुश है तो आप भी खुश हो जाओ लेकिन आपने तो दिखाई इस नीयत से कि आप बोले माशाल्लाह कितनी प्यारी भाभी है तो उसके सामने तो कह रहे हैं पीठ पीछे मेरे सामने आके कह रहे हैं साहब पता नहीं क्या उठा के ले आया है तो मैंने कहा यार जब वो खुश है तो आपको क्या इससे कि क्या उठा के ले आया ये तब्सरा कर रहे होते हैं तो अपनी बीवी की खुद ही तुम बेजती करा रहे हो यार तुम तो कल्चर यही होना चाहिए आपकी बीवी आपके घर की चार चारदीवारी उसको फ़ेसबुक पे मत डालो लोगों को तब्सरे मत करवाओ ठीक है ना क्योंकि सारी औरतें खूबसूरत नहीं होती अल्लाह ने पैदा ही नहीं की है ना मेजॉरिटी तो दरमिया शक्ल की होती है और बहुत सारी बसूरत भी होती हैं वो बेचारी क्या करेंगी आप फेसबुक पे नहीं डालेंगे लोग कहेंगे लगता है कोई दाल में काला काला है बड़ा दीनी मजहबी बन गया आप फेसबुक पे डालेंगे तो वही होगा मेरे पास आके बोलेंगे मुसाब क्या ले आया उठा के तो क्यों बेजती करवा रहे हो अपनी भी अपने घर वालों की भी तो बेहतर है ना कि बी से उस आप बोलो भाई हमारे हम अपनी घर की औरतों को दिखाते ही नहीं हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं है जो है जैसी है घर की चार दीवारी में समझता है कि नहीं समझता तो इससे खुश रहोगे दोस्त भी समझते रहेंगे पता नहीं क्या हूर लाया होगा जो छुपा रहा है हज़रत अली को सबसे अफज़ल साहबी मानने और इनके बारे में क्या हुकुम है हमारी राय तो ये, ये, ये सन्नत की सबसे अफज़ल पैगम्बरों के बाद अबू बकर हैं फिर उमर हैं फिर उस्मान हैं फिर अली हैं और अली का भी अकीदा था बास हमारे अहिलकुल शिया को पक्का काफिर कहते हैं और बास काफिर कहूँ का भाई काफ़िर वक्त कहने काफ़िर वाफिरों का में बीसियों किस्म के लोग हैं मतदिल भी हैं तो मैं ये कहता हूँ कि किसी मसलक को काफ़िर कहने के बजाय आप यूँ बोलो कि जिसका ये अकीदा है वो क्या है काफ़िर है जो नबी को हाज़िर नाज़िर जानता है बिला किसी तावील के वो क्या है काफ़िर है जो नबी को मुश्किल कुशा मानता है बिला किसी तावील के वो क्या है काफ़िर है तो जो हज़रत आयशा रजी अल्लाह तहु पे ज़ैना की तहमत लगाता है वो क्या है काफ़िर है तो चाहे वो सुन्नी हो चाहे वो शी हो चाहे वह ब्रेलवी हो क्योंकि नाम फ़िरकों के ले लेके इसमें एक तो मुबालगा बहुत हो जाता है बाद दफ़ा सारे वो कर नहीं रहे होते हैं हम सब लपेट देते हैं और फिर फिर कवारीत इससे बढ़ती है नफ़रतें फैलती हैं अपने मुल्क को पहले बचाओ जो तो हालत हो गई हमारी लड़ा लड़के एक दूसरे को वैसे ही पढ़ के कूट दिया हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से सवाल है कि हम जहाँ नमाज पढ़ते हमारा ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वहां अक्सर अहले तशी हजरात वहां जिस इलाके में रहते हैं वहां ज्यादातर शीह हजरात हैं तो हमारे घर में आकर अपनी नमाज पढ़ते हैं पढ़ने दो भाई मेरे भाई वो जय नमाज में डेला रखते हैं रखने दो आपके घर आके नमाज पढ़ रहे हैं ना कोई आपके चोरी तो नहीं कर रहा ना बार बार मैं एक बात कहता हूँ दूसरे के मसलक को छेड़ो नहीं अपने मसलक को छोड़ो नहीं हाँ जब वो हक की तलाश में आपके पास आए दलाइल तो उलमा से दलाइल पूछ के उसको मोहब्बत के साथ समझा दो मान जाए ठीक है नहीं माने तो उसकी मर्जी है भाई इतनी दुनिया में और कुछ हो रहा है तो, तो क्या हो गया तो ये ज़रूर है कि कोई भी शख्स चाहे वो सुन्नी हो चाहे वो शिया हो आपके सामने साहबा की गुस्ताखी ना करे वो अब बोलो भाई ये हदूद से क्या हो रहा है देखो कोई ईसाई आपके घर आता है वो नबी को नबी नहीं मानता नहीं मानता ना तो आपको पहले से पता है नहीं मानता फिर भी आपके घर आता है खाना खा के चला जाता है लेकिन वो आके आपके पैगंबर को बुरा भला कहना शुरू कर दे तो आप कहोगे भाई अब ये क्या हो रही है ये ज्यादती हो रही आप कहोगे ये क्या हो रही है ये ज्यादती तो कोई भी शख्स आए आपके सामने सैयदना मुआविया को बुरा भला कहना शुरू कर दे हजरत अबू सुफियान को अबू बकर को हज़रत आयशा को आप बोलें भाई आप आएँ अपनी नमाज पढ़ें आपका एक मसलक है एक फ़िका है आप उस तरीके से पढ़ें हमने मना नहीं किया आपको मैं तो यहाँ तो शिया लोगों को कहता हूँ और आए भी हैं बहुत सारे मस्जिदों में बयान भी सुनते हैं एक दिन किसी जज्बाती ने पकड़ लिया कि शीया आए निकालो मैंने कहा तू मुझे बहुत गुस्सा आया मैंने कहा किस बेस में निकाले हो भाई आप मुझसे पूछे बगैर आप ये काम कर रहे हो तो ये बदतमीज़ हर जगह पर होते हैं मैंने कहा आए बैठे भाई तो मुझसे मिलते हैं बहुत सारे शिया लोग भी मैं कहीं जाता हूँ ना और बता रहे होते हैं मैं शिया हूँ लेकिन आपको सुनता हूँ तो हमें आदत नहीं है उसको जाके छेड़ना शुरू कर दें पिन करना शुरू कर दें मैं कुछ भी नहीं कहता मुल्क हमारा अभी लड़ाई का मुतहमल नहीं जो सीखना चाहे बात करना चाहे तो आप मोहब्बत इज्जत के साथ बात कर लें इससे आगे आप अपनी हदूद को क्रॉस ना करें काफी हो गया अगले